एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी एटा से विधायक वीरेंद्र सिंह जी। इन्होंने एक ही दिन में 98 शौचालय बनाने के बाद ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि 98 शौचालय बनाने में कितना समय लगता है और कितना आदमी को दिमाग लगाना पड़ता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे गांव की वीरेंद्र सिंह जी से। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विधायक जी, आपने एक दिन में 98 शौचालय का निर्माण कराया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये चूँकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, जनपद एटा की महरहरा विधानसभा है, मेरी विधानसभा ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, सारी इंटीरियर है। चूँकि मैं गांव का होने के गांव का चिंतन है, और ODF माननीय मोदी जी का जो ODF और स्वच्छता मिशन का जो विषय था, मैंने उसे गंभीरता से लिया। उस योजना के तहत मैंने स्वच्छता मिशन में काफ़ी काम किया है, जिसमें 98 शौचालय ग्राम विधानसभा महरहरा के ग्राम अकोली जो पिछड़ा गांव था, प्रशासन ने उस गांव का चयन किया, और प्रशासनिक मदद से माननीय सांसद जी हमारे यहां राजवीर सिंह राजू भैया जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं, उनसे भी प्रेरणा मिली, और शासन की मदद से उसमें हम लोग शासन ने योजना बनाई, योजनाबद्ध तरीके से उसकी तैयारी की गई। जिले का पूरा प्रशासन, लगभग 250 कर्मचारी उसमें लगाए गए, हम लोगों का सहयोग रहा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और सुबह से जो काम शुरू हुआ था शाम तक 98 शौचालय बना के उस गांव को पूरा शाम तक ODF घोषित किया गया। भीम ऐप से जो 6000 रुपए लाभार्थियों के अकाउंट में जाने थे, वहीं से सारी व्यवस्था थी। गांव गरीब गांव को सेलेक्ट किया गया, तो सारे गांव के लोगों ने चावल कलेक्ट करके सांव खिचड़ी भोज भी हम लोगों ने किया था। इस तरह उसमें सफलता पाई, और भारत सरकार ने उस मेरी विधानसभा के गांव को और वहां महरहरा विधानसभा की जनता को और वहां के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस स्टोरी को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्वीकार किया है, और भारत सरकार ने उसको ट्वीट किया है, धन्यवाद। विधायक जी, अब जैसे हम गांव की बात करते हैं, आपने काफ़ी प्रयास किया, 98 शौचालय एक दिन में आपने बना दिए, इसी तरह से गांव में तमाम समस्याएं हैं, आपकी नज़र में गांव कैसा होना चाहिए और गांव की ज़रूरत क्या होनी चाहिए? गांव में स्वास्थ्य शिक्षा और जो विकास के कार्य हैं वो अभी भी पिछले स्वतंत्र हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ बहुत सारे गांव हैं जिसमें अभी संपर्क मार्गों से नहीं जुड़ा है। विद्युतीकरण का काम भी बहुत 60 वर्ष से नहीं हुआ था, लेकिन 4 वर्ष की माननीय मोदी जी की सरकार है, उसमें एक अभियान के तहत ऐसे पिछड़े गांव को जो विद्युत से वंचित रह गए थे उसमें जोड़ने का काम चल रहा है, और सड़क संपर्क मार्गों से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। आज हम 60 वर्ष से उसे इंतजार करते रहे विकास के लिए, वो नहीं हो पाया। लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं अभी स्वास्थ्य और शिक्षा की हैं, जिसमें अगर शिक्षित समाज हमारा देश होगा तो लोगों का आगे बढ़ने का काम करेंगे, और स्वच्छता का जो मिशन है उसमें स्वस्थ भारत और विकसित भारत का जो नारा है माननीय मोदी जी का, तभी पूरा होगा कि जो हमारा पूरा देश स्वच्छ रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो देश के विकास के लिए अच्छा चिंतन रहेगा लोग। जैसे विधायक जी, गांव की बात करें तो गांव में इस समय तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके चलते लोग गांव से पलायन तक करके दिल्ली मुंबई वगैरह चले गए हैं, तो इन्हें अपने गांव में वापस लाने या और लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है? जो मूलभूत समस्याएं थी कि शिक्षा का अभाव था गांव में, स्वास्थ्य नहीं था, तो जो जरा भी संपन्न लोग हुआ करते थे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए शहर की तरफ पलायन करते थे। केंद्र सरकार ने इसका चिंतन किया है कि जो महंगाई का कौज भी वही रहा, गांव से लोग जो पलायन शहर की तरफ कर रहे थे, तो आबादी का भार बढ़ रहा था शहरों की तरफ, वो आबादी अब स्थिर हुई है, लोगों का चिंतन गांव की तरफ पुनः, मतलब जो विकास हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था हो रही है, तो लोगों का पलायन अब धीमे धीमे कम हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं 4 वर्ष में कि जो महंगाई थी शहर में, लोग अगर एक जगह खरीदने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना था पड़ता था, अब उसमें कंट्रोल हुआ है, क्योंकि गांव का पलायन रुक गया है, तो शहरों की तरफ जो आबादी का दबाव था वो कम हो गया है। अब जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं तो सरकार ने NCERT वगैरह ये सब प्राइमरी स्कूलों में लागू कर दिया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने के लिए उन विद्यालयों में अभी टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है।
वो अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक से स्कूलों की इंग्लिश मीडियम स्कूलों का सिलेक्शन अच्छे स्कूलों उसके लिए किया है, उसमें व्यवस्था हो रही है और ऐसे स्कूल में इंग्लिश मीडियम का स्टाफ रखा जाएगा। हम लोगों से भी चर्चा हुई है लोकल प्रशासन से कि आप लोग अपने सहयोग से जो स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम जिसको चाहते हैं उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और एक एक प्राइमरी स्कूल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि सांसद हों अथवा विधायक हों उन्होंने और संगठन के जो बड़े कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी गोद लिया है। हम लोग उस ऐसे स्कूलों का चिंतन करते हैं कि उसमें शिक्षा मतलब अच्छी रहे, जिससे जो पक्षपात हुआ करता था अच्छे लोग अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे और जो गरीब लोग थे तो वो प्राइमरी स्कूलों की तरफ नज़र रखते थे। सरकार चाहती है कि शिक्षा समान होना चाहिए, जब देश की शिक्षा समान होगी तो हम लोग जो अंतिम व्यक्ति है अंत्योदय की जब बात करती है भारतीय जनता पार्टी, गरीब व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। अगर अंतिम पंक्ति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मजदूर का। मजदूर जो होता है वो सबसे छोटे तबके का आदमी माना जाता है, लेकिन जो एक योजना चलाई गई थी मनरेगा उसमें 175 रुपये शायद मजदूरी मिलती है, लेकिन वही आदमी कहीं प्राइवेट करने जाता है कहीं काम करने जाता है तो उसको 350 रुपये तक मिलता है, तो सरकार इसे बढ़ाने की तरफ कोई पहल करेगी? ये गरीबों की सरकार है, चिंतन ही गरीबों को प्रत है, उसमें चर्चा चल रही है कि जो महंगाई के हिसाब से जो मजदूरी है वास्तव में कम है उसका चिंतन करके आगे बढ़ाने की संभावना है। अगर हम दूसरे लेवल पर आ जाते हैं ब्लॉक, ब्लॉक जो होता है वो ग्राम पंचायत की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं आप, और ब्लॉक में सचिव जो होता है ग्राम पंचायत और सरकार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। आजकल सचिवों की इतनी कमी है कि एक एक सचिव के पास में तमाम गाँव का चार्ज है 5 से लेकर 10 तक, तो इसमें सरकार सचिवों की नियुक्ति में कोई आगे कार्यवाही कर रही है या नियुक्तियां निकाल? पिछली सरकारों ने जो इस उत्तर प्रदेश को पिछड़ा किया है कि वो नियुक्तियों का अभाव रहा, उसमें नई नौकरी उनको नहीं दी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी की सरकार है वो इसमें चिंतन कर रही है कि जहाँ आवश्यकता है उनकी नई भर्तियों के लिए व्यवस्था की जा रही है और नई भर्तियाँ खुलेंगी, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे विकास का हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, उसमें सारी भर्तियाँ अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। विधायक जी, आप अपनी तरफ से ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के लिए क्या संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, क्योंकि आप लोगों ने ग्रामीण समस्याओं को रखने का प्रयास किया है। चूँकि मैं मूलभूत से ग्रामीण परिवेश से आता हूँ तो मुझे ग्रामीण और मेरे समकक्ष लोग हैं उनके चिंतन की रहता है हमेशा, तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो सरकार की योजना है वो गाँव और गरीब के लिए हैं और किसान के लिए हैं और बहुत जल्दी इसका प्रतिफल और परिणाम आप सामने आ जाएगा। तो ये थे एटा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने एक दिन में 98 शौचालय बनाने के बाद एक रिकॉर्ड बनाया और भारत के प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचने के बाद में लगता है कि अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इनसे कोई ना कोई सीख लेनी होगी, ताकि हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे जैसे इन्होंने एक गांव में 98 शौचालय बनाए। और हम उम्मीद करेंगे कि ग्रामीण जनता की बात को ये विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और उसको हल कराने का प्रयास करेंगे। अजय प्रताप सिंह, ABPS न्यूज़, लखनऊ।